छात्राओं की मांगों को लेकर इनसो का छात्र विंग एकजुट हो गया है। आपको बता दें कि इनसो के छात्र विंग द्वारा पानीपत बस स्टैंड पर ढोल बजाकर प्रदर्शन किया गया है। इनसो नेता ने कहा कि बस स्टैंड पर ढोल इसलिए बजा रहे हैं कि अधिकारियों के कानों में छात्रों की समस्याएं पहुंच जाए, उन्हें यह भी मालूम हो जाए कि छात्रों को किस तरह से घर से कॉलेज के लिए धक्के खाकर ऑटो में जाना पड़ता है। जबकि पानीपत बस स्टैंड के महाप्रबंधक का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई मांग अभी तक नहीं आई है कि किसी कॉलेज की छात्राओं को आने जाने में किसी किस्म की परेशानी है। अगर एक भी छात्र की डिमांड आती है तो स्पेशल बस चलाई जाएगी। बता दें कि इन सौ छात्र नेताओं ने बस स्टैंड पर ढोल बजाकर छात्रों के साथ प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा छात्राओं के लिए दी गई पिंक बसों को इन्होंने दूसरे कामों में लगाया हुआ है। मतलोडा सरकारी कॉलेज की छात्राओं को लाने ले जाने के लिए किसी तरह की कोई बस की सुविधा रोडवेज अधिकारियों को नहीं दी गई है, जिसके चलते इनकी नींद खोलने के लिए यहां पर इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र नेता का कहना है कि अगर अधिकारियों को अब भी हमारी बात सुनाई नहीं दी तो उसके बाद इनको दफ्तर से बाहर निकालकर ताले लगा दिए जाएंगे। वही महाप्रबंधक हरियाणा रोडवेज पानीपत का कहना है कि इस तरह की मांग को लेकर कोई भी छात्रा उनसे अभी तक नहीं मिली है, ना ही किसी ने कोई मिलने का समय मांगा है। महाप्रबंधक विकास नरवाल ने कहा कि उन्होंने अभी चार्ज संभाला है, एक भी छात्र की अगर मांग उनके पास आती है तो स्पेशल पिंक बस उनके लिए चलाई जाएगी। इस तरह बस स्टैंड पर शोर शराबा कर नेतागिरी चमकाना ठीक नहीं है। इस तरह के लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। पानीपत से संवाददाता प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। से पहले जो नए जिम लगाए विकास वाले से बच्चों की समस्याओं को लेकर मिलने आ रहे हैं, लेकिन ये हमसे मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, ना हमको उतरने दे रहे हैं। आज हमने मजबूर में कहीं ये सोए हुए ना हो, इनकी कान में कहीं मैल ना हो, इसके लिए आज हमने एक शांतिपूर्वक तरीके से आज हम अपना ढोल लेके आए हैं ताकि इनको छात्रों की आवाज सुनाई दे कि हमारी जो समस्या है क्या मांग है छात्रों की। हमारी मांग सबसे पहले तो मतोडा राजकीय महिला विद्यालय महाविद्यालय है, वहाँ पर छात्राएं परेशान है। वहाँ लगभग 20 से 22 गांव की लड़कियाँ आती हैं, लेकिन वहाँ अभी तक कोई बसें नहीं चलाई गई हैं। तो किस चीज़ से आए हो? पुलिस तो इसीलिए बनाया गया था भाई कहीं ना कहीं ब्लॉक स्तर पर वहाँ लड़कियाँ दूर आती हैं पानी पढ़ने, वहाँ को सुविधा मिल सके, लेकिन वो और भी ज़्यादा बेहतर हो है, बुरा हाल हो गया उनका, वो आने को मजबूर हैं, लेक्चर शॉर्ट हो रहे हैं उनके, वो कैसे पढ़े बताओ। लड़कियों के लिए तो पिंक सिटी बसें शुरू की गई है। नहीं, इनसे आप पूछो जो पिंक बसें चलाई थी वो कहाँ है? वो शामली भेज देते हैं, सोनभद्र भेज देते हैं, करनाल भेज देते हैं, वो लड़कियों के लिए चलाई गई थी। कभी कोरोना डॉक्टरों को लेकर जाते हैं, वो किसी लिए चलाई थी बसें? वो उनको ये नहीं पता वो क्या रहा है, नाइट की बसें सारी बंद कर दी, किससे पूछ के की? और कमेंट में बैठे हैं ये लोग जो ऊपर बैठे हैं, इनको ये नहीं पता हम छात्र एकता हमारी, हम यहाँ कुर्सी से नीचे भी लेके आएंगे इन लोगों को। अभी तो बाहर खड़े अंदर भी जाएंगे, बाहर भी निकाल लेंगे, ताले भी लगाएंगे यहाँ के। लेकिन नए जीएम है अभी तो यहाँ पे, जीएम क्या मिलने का टाइम तो दे सकते हैं नए जीएम? क्या हो गया जीएम है तो? हम अपनी जायज मांग लेके आए हैं, मिलने का समय नहीं, टाइम नहीं देते हैं। मिलो आप उनसे पूछना जाके, बाहर खड़े रहो 2 बजे आओ 4 बजे आओ, क्या लग रहे हैं ये? हम गलत मांगे नहीं हमारी, और इनको आप भी बता देना इनको ये इनसो है, ऊपर से नीचे ले आएंगे। छात्र आए हैं जो ढोल बजा के यहाँ माहौल को वो कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इनकी मांग है कुछ नहीं, मेरे पास इनकी कोई मांग नहीं है, ना ही कोई एक भी छात्रा को नहीं आज तक मेरे पास आई है। कोई भी एक भी छात्रा आ जाएगी तो हमारे पास तो छात्राओं को चलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने पिंक बसेज ऑलरेडी दे रखी है, और वो उसी समय चला दी जाएंगी अगर कोई मांग होगी तो। कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है मैं कोई शायद मेरे को तो मिला नहीं, प्रधान बताता है, और वो मेरे को स्टाफ की शिकायतें हैं कि ये बार बार आता है और यहाँ पे जो है ऑफिस में भी काम को बाधित करता है, तो इसके खिलाफ जो है उचित कार्रवाई के लिए भी हम आज लिख रहे हैं बिना किसी नोटिस के आके। और यहाँ क्योंकि कॉलेज अभी खुल रहे हैं तो कोई ऐसी समस्या आपके सामने आई? कोई समस्या नहीं, कोई छात्रा नहीं आई, एक भी छात्रा अगर ये कहेगी तो एक छात्रा के लिए भी बस चलाई जाएगी। एमए का स्टूडेंट हूँ और मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज का छात्र हूँ। सर ये हमारी बसों की प्रॉब्लम है सर, हमारे को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है सर, और हम यही मांग करते हैं कि सर जो हमारी ये प्रॉब्लम हो रही है बसों में, बस हमारे को टाइम पे नहीं मिल पाती सर, बस भी इन्होंने प्रॉपरली तरीके से बंद कर रखी है सर। मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि वो इन बसों को दोबारा चलाएं सर, जिससे कि स्टूडेंटों की ये समस्याएं हल हो सके सर। कोरोना काल में बसें वैसे बंद थी, कॉलेज बंद थे, इससे थोड़ी दिक्कतें तो पहले भी थी सर, कोरोना काल से बंद थे, लेकिन सर अभी फिलहाल तो सर अभी तो इनको चलानी चाहिए। हमने कई बार जीएम साहब से मिलने का टाइम मांगा लेकिन उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया सर, और वो मतलब हमसे मिलना भी नहीं चाहते सर। हमने कई बार मतलब ज्ञापन भी दिए उनको लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया सर। नाम क्या आपका? मेरा नाम साजिद है सर।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।